एपिसोड की शुरुआत में डेरिल को समुद्र के अंदर दिखाया जाता है। वो रिक की खोज करने के लिए अमेरिका से निकला था। डेरिल फ्रांस पहुंच जाता है। वो वहां बोट कॉटेज में जाकर कुछ ढूंढने लग जाता है। डेरिल बहुत ज्यादा प्यासा था। उसे फ्रीज्ड वाटर मिलता है और वो उसे पी लेता है। डेरिल को वहाँ कुछ टेप्स मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उस बोट में एक फैमिली रहा करती थी जो कि जॉम्बी आउटब्रेक के बाद उस जगह को छोड़ चुकी थी। डेरिल अपने आप को वहाँ एडजस्ट करता है। वो रात को फिश पकड़ता है और उसे खाते हुए वो टेप सुनने लग जाता है। डेरिल को पता चलता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खो दिया था और वो बच्चों के साथ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। डेरिल भी उस आदमी के टेप से इंस्पायर होकर अपनी स्टोरी टेप के ऊपर रिकॉर्ड करने लग जाता है जिसमें वो बताता है कि उसका पूरा नाम डेरिल डिक्सन है और वह कॉमनवेल्थ अमेरिका से वहाँ पर आया था। वहाँ हर जगह कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ था। एक जगह फ्रेंच में स्टार्विंग लिखा हुआ था। डेरिल फ्रेंच नहीं जानता था। वो आगे बढ़ते हुए इनफेस्टेड मार्केट में पहुंच जाता है। वो वहाँ खाने की चीजें तलाशने लग जाता है। उसे वहाँ बहुत से वॉकर्स दिखाई देते हैं। डेरिल उन्हें देखकर वहाँ से निकलने के लिए मुड़ता है। तभी एक वॉकर डेरिल के हाथ को पकड़ लेता है। उस वॉकर के अंदर एसिड भरा हुआ था। डेरिल का हाथ जलने लग जाता है। वो किसी तरह से उस वॉकर को मार डालता है। डेरिल देखता है कि वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स एसिड से भरे हुए थे। डेरिल वॉकर्स को मारता हुआ बाहर निकल जाता है। एक नन इसाबेल दूर से पोस्टर चिपकाते हुए डेरिल को देखती है। उस पोस्टर के ऊपर फ्रेंच में गॉड लव्स यू लिखा हुआ था। डेरिल एक सुनसान प्लेस पर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मैरीबेल और उसके ब्लाइंड फादर से होती है। मैरीबेल इंग्लिश जानती थी। वो डेरिल से मेडिकल बॉक्स मांगती है। मैरीबेल डेरिल से मेडिसिन बॉक्स के बदले में उसे एप्पल देने की डील करती है। डेरिल उसे मेडिकल का बॉक्स दे देता है और वहाँ से कुछ एप्पल्स लेकर अपने बैग में डाल लेता है। मैरीबेल को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता था। वह डेरिल से बात करने लग जाती है कि क्या डेरिल उसे और उसके फादर को सेफली अमेरिका तक लेकर जा सकता था। तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह सोल्जर्स इंग्लिश नहीं जानते थे। सोल्जर डेरिल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डेरिल सोल्जर से लड़ने लग जाता है। मैरीबेल भी सोल्जर से लड़ने में डेरिल की मदद करती है। वो लोग सोल्जर को मार डालते हैं। तभी मैरीबेल का फादर जो कि असली में ब्लाइंड नहीं था वह डेरिल को मारकर बेहोश कर देता है। वो लोग उसके बैग से एप्पल्स निकालते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। डेरिल होश में आता है। वह एक कॉन्वेंट के अंदर था जहाँ पर बहुत सारी नंस थी। दो नन डेरिल की देखभाल कर रही थी जिनमें से एक नन इसाबेल थी। इसाबेल को डेरिल के सामान में टेप्स मिल चुके थे जिनसे वो डेरिल के बारे में जान चुकी थी। उस जगह पर एक छोटा बच्चा लॉरेंट भी था जो कि एपोकैलिप्स के समय से ही उन लोगों के पास था। इसाबेल और डेरिल दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसाबेल को इंग्लिश अच्छे से आती थी। इसाबेल डेरिल के पीठ पर बने हुए निशानों को देखकर डेरिल से इस बारे में बात करती है। डेरिल उसे बताता है कि वो उसके फादर के सिगरेट से बने हुए निशान थे। डेरिल को इसाबेल के हाथों पर उसी तरह के निशान दिखाई देते हैं। डेरिल इसाबेल से उनके बारे में पूछता है लेकिन इसाबेल डेरिल के इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है। वहाँ की बहुत सारी नंस डेरिल से डरती थी और उन्हें लगता था कि वह ठीक होकर जल्दी ही वहाँ से चला जाएगा। इसाबेल डेरिल को उस जगह का टूर करवाती है। डेरिल वेपन्स रूम देखता है जो कि हर तरह के वेपन से भरा हुआ था। डेरिल को वहीं पर फादर जीन के ऑफिस में रखा हुआ एक रेडियो दिखाई दे जाता है। वो इसाबेल से उस रेडियो के बारे में पूछता है। इसाबेल उसे बताती है कि वह रेडियो उन्होंने कभी भी यूज नहीं किया था। डेरिल ठीक होने के बाद उस रेडियो को यूज करने के बारे में सोचता है। डेरिल कोर्टयार्ड में बैठकर कुछ खाने लग जाता है। लॉरेंट डेरिल को दूर से देखता है। उसे वो अजूबा लगता है और वो खाते हुए उसकी कॉपी करने लग जाता है। लॉरेंट बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। वो क्यूब मिनट्स में सॉल्व कर लेता था। लॉरेंट डेरिल से वर्ल्ड और उसके फ्यूचर के बारे में बात करता है। लॉरेंट को लगता था कि वर्ल्ड को रीपॉपुलेट करने में 6 जनरेशन का टाइम लगेगा। लॉरेंट डेरिल को सैड देखकर उसे कहता है वो एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व करता है। डेरिल को ये सुनकर जुडिथ की याद आ जाती है जो कि ये सेम वर्ड्स बोला करती थी। डेरिल फादर जीन के ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है। तब उसे वहाँ पर जॉम्बीफाइड फादर जीन दिखाई देता है। उस जगह पर मौजूद सभी नन और लॉरेंट फादर के फिर से दोबारा ह्यूमन बनने का इंतजार कर रहे थे। डेरिल जॉम्बीफाइड फादर जीन को देखकर उस जगह को छोड़कर जाने का मन बना लेता है। इसाबेल उसे रोकने की कोशिश करती है। द यूनियन ऑफ होप के लीडर एक बौद्ध महात्मा थे जिन्होंने लॉरेंट को एक नया मसीहा बताया था और उसे पूरा करने का एकमात्र तरीका लॉरेंट को समुदाय तक पहुँचाना था जो उसे ह्यूमनिटी को पुनर्जीवन का मार्गदर्शन देने के लिए पालेगा। फादर जीन लॉरेंट को उस समुदाय तक पहुँचाने वाले थे लेकिन उनके अचानक डेथ के कारण पूरा प्लान
फेल हो गया था। अब इसाबेल चाहती थी कि फादर जीन का छोड़ा हुआ काम डेरिल पूरा करे, क्योंकि लॉरेंट ने 3 हफ्ते पहले एक पानी में डूबते हुए आदमी की पिक्चर बनाई थी और इसाबेल को लगता था कि वो उनकी मदद के लिए ही वहाँ पर आया हुआ था। इसाबेल उस पिक्चर को डेरिल से कंपेयर कर रही थी। इसाबेल लॉरेंट की स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंट की तारीफ करती है। वो ये भी कहती है कि लॉरेंट का जन्म एक बहुत ही जादुई घटना थी। डेरिल इसाबेल की इन बातों को मानने से मना कर देता है। डेरिल जॉम्बिफाइड फादर जीन और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लॉरेंट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वहाँ का रेडियो टूटा हुआ था और डेरिल किसी भी तरह से अपने लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता था। डेरिल उस जगह को छोड़कर पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। डेरिल को पता चला था कि ला हावरे में कुछ शिप्स डॉक पर आई हुई थी। पेरिस तक जाने का रास्ता ऐसी कम्युनिटी से होकर गुजरता था जिनके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन जो फ्रेंच नहीं जानते थे। डेरिल के लिए पेरिस पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैरीबेल और उसका फादर रोड के ऊपर जा रहे थे, तभी कुछ सोल्जर्स जीप में बैठकर उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर कॉड्रोन था। कॉड्रोन का भाई डेरिल के हाथों मारा जा चुका था और कॉड्रोन अपने भाई को ढूंढ रहा था। कॉड्रोन मैरीबेल और उसके फादर से अपने भाई के बारे में पूछता है। मैरीबेल का फादर पहले तो कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन बाद में कॉड्रोन के धमकाने पर वह उसे डेरिल से मिलने की बात और उनसे हुई लड़ाई की पूरी बात बता देता है। कॉड्रोन गुस्से में मैरीबेल के फादर को जान से मार देता है और मैरीबेल को अपने साथ उस जगह पर ले चलने के लिए कहता है। मैरीबेल कॉड्रोन को लेकर पुरानी जगह पर पहुंच जाती है। कॉड्रोन को वहां पर अपना जॉम्बिफाइड भाई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डेरिल से बदला लेने के बारे में सोचने लग जाता है। वह वहां कुछ और ढूंढने लग जाता है। तब उसे इसाबेल का चिपकाया हुआ पोस्टर मिलता है। कॉड्रोन डेरिल को ढूंढने के लिए इसाबेल के पोस्टर की जगह एबी पर अपने सोल्जर्स के साथ रवाना हो जाता है। डेरिल दूर से कॉड्रोन की आती हुई गाड़ियों को देख लेता है और कुछ झाड़ियों के बीच में छिप जाता है। डेरिल कॉड्रोन की गाड़ियों को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है। उसे उन गाड़ियों में मैरीबेल बैठी हुई दिखाई दे जाती है। डेरिल को उनके ऊपर डाउट हो जाता है। कॉड्रोन एबी पहुंच जाता है और अपने सोल्जर्स को वहां की तलाशी लेने के लिए कहता है। सीनियर नन लॉरेंट को प्रीस्ट के ऑफिस में छिपाने के लिए कहती है। वो बाकी नन्स को हालात को देखते हुए तैयार रहने के लिए भी कहती है। सभी नन्स वेपन्स लेकर सोल्जर्स का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती हैं। कॉड्रोन को तभी जॉम्बिफाइड फादर जीन दिखाई देता है। कॉड्रोन फिलिप को उसे मारने के लिए कहता है। फिलिप की फैमिली भी एबी में आया करती थी और फिलिप फादर जीन को बहुत अच्छे से जानता था। वह उसे मारने से हिचकिचाने लग जाता है। कॉड्रोन के धमकाने पर फिलिप जॉम्बिफाइड फादर जीन को मार डालता है। लॉरेंट अपना दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। वो जॉम्बिफाइड फादर जीन को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लग जाता है। कॉड्रोन लॉरेंट को देख लेता है और वो अपने सोल्जर्स को लॉरेंट को पकड़ लेने के लिए कहता है। कॉड्रोन लॉरेंट को अपने सुपीरियर बॉस को सौंप देना चाहता था। लॉरेंट को पकड़ा हुआ देखकर डांस कॉड्रोन के आदमियों का सामना करने लग जाती है। डेरिल भी वहां पर पहुंच चुका था। वो भी कॉड्रोन के आदमियों से लड़ने लग जाता है। दोनों ओर के लोगों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। डेरिल इसाबेल लॉरेंट सेल्वी और कॉड्रोन के अलावा वहां बहुत सी नंस मारी जा चुकी थी। कॉड्रोन वहां से भाग लेता है। इसाबेल अपनी नन साथियों की मदद से मर चुकी गई नंस का फ्यूनरल करती है। डेरिल इसाबेल को बताता है कि वो किसी को ढूंढने के लिए निकला था। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ गंदे लोगों से हुई थी जिन्होंने उसे बोट पर समुद्र में छोड़ दिया था और वो फ्रांस पहुंच गया था। डेरिल और इसाबेल दोनों ही एक दूसरे को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का वादा करते हैं।